20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट चाहे कैंसर, थायराइड, बेल अर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अहमदाबाद से, जहां पर आज 3 मार्च को किसानों की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अभय सिंह चौटाला को आज किसानों के बीच में सम्मानित किया जाएगा। सीधी तस्वीरें हम आपको रैली स्थल से दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ी हम आपको बातें बताएंगे किस तरीके से आज का किसान समारोह यहां पर इसे पूर्ण तरीके से राजनीति से दूर करता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने पहले ही साफ किया था कि ये कार्यक्रम पार्टी से जुड़ा नहीं है। लेकिन उसमें कुछ सिम्टम जरूर है जो इस बात को दर्शा रहे हैं कि इसमें वाकई सीधे तौर पर किसान आंदोलन को ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का कोई भी झंडा या फिर ऐसा कलर, यहाँ पर थीम कलर नहीं चुना गया है। क्योंकि आमतौर पर जितने भी आईएनडी के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर सब कुछ हरे रंग का होता है, चाहे वो ग्रीन मैट की बात करें, आप चेयर्स की बात करें, पूरे बड़े मंच की बात करें। दूसरी बात है, जो यहाँ पर मंच तैयार किया गया है, उसमें तमाम जितने भी किसान नेता होंगे, चाहे अभय सिंह चौटाला होंगे, किसी के लिए VIP कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब लोग एक साथ नीचे बैठकर ही इस किसान सम्मान समारोह को आगे बढ़ाएंगे, जहाँ पर आज एक बड़े कयास राजनीतिक तौर पर भी लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसे सीधे तौर पर एक राजनीति के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि आज एक तरीके से उपचुनाव को लेकर INND की तरफ से चुनावी शंखनाद है। लेकिन बार बार INND के नेताओं की तरफ से ये आगाह किया गया है कि इसमें पार्टी का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये किसानों की तरफ से ही एक किसान समारोह, एक महापंचायत के तौर पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें अभय सिंह चौटाला को विधानसभा पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, उसी के तहत उनको आज सम्मानित किया जाएगा। हम आपको अब तस्वीर दिखाते हैं पूरे शेड की, एक बहुत बड़ा शेड जिसको कवरअप किया गया है। ये देखिए आप, कैमरे के माध्यम से पूर्ण तरीके से यहाँ पर मैटिंग की गई है और एक तरफ से पर्दे भी लगाए गए हैं, और धीरे धीरे जो लोगों की संख्या है वो अब बढ़नी शुरू हो गई है। इस वक्त करीब जो वक्त है वो 11 बजे के आसपास का है, लेकिन इसका जो समय था वो ठीक 11 बजे का ही दिया गया था, लेकिन अब पिछले 15 से 20 मिनटों की तुलना में जो लोगों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होने लगा है। दूसरी बात है, यहाँ पर बैठने वाले किसानों के लिए यहाँ पर LED की सुविधा भी की गई है, ताकि उन्हें मंच पर क्या कुछ गतिविधियाँ चलेगी वो इस LED के माध्यम से दिखाई जाए, जो कि दाएँ और बाएँ दोनों तरफ भी लगाई गई है। अब आपको दिखाते हैं, ये पूरा अनाज मंडी का जो शेड है, दोनों शेड को कवर किया गया है, और यहाँ पर जो बेहतरीन तरीके से लोगों के लिए मैटिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग यहाँ पर आराम के साथ बैठ सकें। और दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे, शेड को आधा कवर करके बैरिकेटिंग की गई, वहाँ पर चेयर्स का प्रबंध किया गया है, और जहाँ पर जो हमें जानकारी मिल पाई है, ये चेयर्स सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के लिए और शहर के कुछ सम्मानित प्रतिष्ठित जो लोग हैं या फिर उम्र में ज़्यादा है, बुजुर्ग हैं, उनके बैठने के लिए चेयर्स की व्यवस्था, करीब 500 के आसपास चेयर है वो यहाँ पर लगाई गई है, और बाकी धीरे धीरे लगातार किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और आप भी महापंचायत में आए हो सर? हाँ जी। कहाँ से आए हो सर? अहमदाबाद से ही आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आज के कार्यक्रम को कैसे देखते हो, ये कोई राजनीति कार्यक्रम लगता है आपको? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है, और प्रोग्राम जड़ा रंगा रंग चल रहा है, ये बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसा तो कभी मिलेगा ही नहीं। ये चौधरी अभय सिंह का प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया तो बढ़िया, धूमधाम ना सम्मानित करेंगे उनको? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़िया करोगे। हाँ, तो ये लोग यहाँ पर जो पहुँचे हैं, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लगातार यहाँ पर लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। अंकल जी, आप कहाँ से आए हो जी? कहाँ से आए हो? ममेरा से। आज कार्यक्रम देखने आए हो? ये इस कार्यक्रम में आए हो? हाँ। तो ये कार्यक्रम क्या है, पार्टी का कार्यक्रम है या किसानों का कार्यक्रम है? ये किसानों का। क्या लगता है, अभय सिंह ने इस्तीफा दिया है, कैसा चुनाव रहेगा इस कार्यक्रम का? वो तो जनता बता देगी।
हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए यहाँ पर विनोद गोदारा जी, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज का कार्यक्रम अगर देखें तो कितने बड़े कयास आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं यहाँ पर किसानों की महापंचायत में भीड़ को लेकर? ये प्योरली किसानों की महापंचायत है और इसमें पार्टी विशेष का कोई मतलब नहीं है। अब आपने देखा होगा कि भी पार्टी ने मुझे भी एक पद दे रखा है, लेकिन मैं आम मतलब किसानी के हिस्से से आम पब्लिक के बीच में बैठा हूँ। तो ये प्योरली किसानों की तरफ से माननीय चौधरी अभय सिंह जी को किसानों का मसीहा मानकर लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं और पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। रही बात सबको एक किसान जैसे खेत में नाली पे बैठ के भी खाना खा सकता है, उस तरह एक हम सामान्य वर्कर एक सामान्य किसान की तरह अभय सिंह जी को कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल एक नीचे कोई गद्दे पे बैठ के अपना संबोधन करेंगे और यहाँ आके पधार के बैठेंगे। और क्या कोई सर विशेष तौर पर भी मुख्य अतिथि के तौर पर कोई बड़े नेता या फिर इस तरीके से कोई पहुँचने वाला? हमने किसी को कोई ने इन्वाइट नहीं किया, अपनी मर्जी से जो आना चाहेगा, जो किसान का हितैषी है वो मोस्ट वेलकम है, उसके लिए हमारे लिए सारे दरवाजे खुले हैं। सर, कितना आप इकट्ठ मानते हैं आज यहाँ पर इस महापंचायत में आप मान रहे हैं? इकट्ठ तो बहुत ज़्यादा है, जैसे लोगों में एक्साइटमेंट है उसके बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितना भी हो सकता है। 20-25 हज़ार रुपये तो 20-25 हज़ार लोग तो मामूली सी बात है। क्या सारे जितने भी किसान मोर्चे अलग अलग उनको भी निमंत्रण दिया गया, वो भी यहाँ पर? ये सारा किसानों के द्वारा ही अभय सिंह जी को निमंत्रण दिया गया है, ना कि पार्टी विशेष का काम है। अगर पार्टी विशेष का काम होता तो हम जैसे लोग स्टेज के ऊपर होते। अब आप देख रहे हो भी हम किसान जिन लोगों को कह रहे हैं वो लोग ऊपर आ रहे हैं और किसानों के द्वारा ये किया जा रहा है। इनेलो पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सर, हम देख रहे हैं कि कहीं भी INLD का कोई कलर मैच नहीं हो रहा है, ना ही तो किसी मैट को लेकर, ना कोई झंडे को लेकर, ना किसी बैनर को लेकर। क्या इसी से मतलब माना जाए कि ये गैर राजनीतिक तौर पर महापंचायत? ये मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि INLD का इसके अंदर कोई एक पैसा भी कोई सरोकार नहीं है। अगर INLD का होता तो आप देखिए कहीं हरी चीज भी नहीं है, किसानी का झंडा है, मंच के ऊपर अपना राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। तो अगर INLO का काम कार्य होता तो हमारा फ्लैग मंच के ऊपर होता, अब मंच के ऊपर नेशनल फ्लैग लगा हुआ है, तो इसका मतलब INLO से इसका कोई सरोकार नहीं है। ये फंक्शन टोटली ही गैर राजनीतिक है और किसानों के हित के लिए है और माननीय चौधरी अभय सिंह जी ने इतना बड़ा बलिदान दिया है और अपने आप में किसान मसीह हैं और ऐसा उनकी रगों में खून है जो आज खुल के बोल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण एक किसान के लिए कुछ हो नहीं सकता। तो निश्चित तौर पर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है और अब बहुत बड़ी उम्मीदें पार्टी को भी है और तमाम इलाहाबाद के विधानसभा के लोगों की तरफ से भी है कि आज की किसानों की महापंचायत एक अनूठा रिकॉर्ड दर्ज करेगी। बहुत बड़ी भीड़ यहां पर किसानों की होगी और सीधे तौर पर विपक्ष इसको यही कह रहा है कि ये उपचुनावों की दहलीज लिखने की शुरुआत है, वो एक पहला पड़ाव INLD की तरफ से रखा गया है। मगर ये मंच से जिस तरीके का कार्यक्रम चलेगा, जब ये कार्यक्रम पूरे अपने फाइनल पर पहुंचेगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को देखकर आगे की बातें तय होगी कि इसमें चुनावी रंग कितना था। लेकिन बहरहाल उम्मीद ये की जा सकती है कि आज इलाहाबाद के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी जिसमें आज किसान अपने तरीके से इस कार्यक्रम को चलाएंगे, जिसमें पार्टी का कोई भी दखल नहीं होगा। सीधे तौर पर देखें तो यहाँ पर INLD की तरफ से कोई भी अपना जो सिंबल चिन्ह नहीं लगाया गया है, पार्टी की तरफ से कोई झंडा या फिर बैनर नहीं लगाया गया है और पूर्ण तौर पर इसे किसानों का ही कार्यक्रम बताया जा रहा है। लेकिन इसी से पहले आपने देखा होगा लगातार 4-5 दिन पहले का वक्त रहा जब INLD के तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से सिरसा जिले के तमाम विधानसभा की बात करें, चाहे आप रानिया की बात करें, डबवाली की बात करें, सिरसा की बात करें, वहां पर खुद अभय सिंह चौटाला पहुंचे थे, तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं की तरफ से बार बार जनसभाएं की गई थी, लोगों को सीधे तौर पर आमंत्रित किया गया था कि वे इलाहाबाद की महापंचायत में पहुंचे जहां पर किसानों की ओर से अभय सिंह को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस बात को इस तरीके से भी कह रहा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह को सम्मानित करने के लिए खुद का एक कार्यक्रम क्रिएट किया गया है, लेकिन INLD के कार्यकर्ता इसको सिरे से नकार रहे हैं कि इसमें INLD का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सीधे तौर पर उपचुनाव सर पर है, ऐसे में
कोई भी पार्टी इस कसर को नहीं छोड़ना चाहती है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से चुनावी मुद्दा भी शुरू किया जा सके। सहयोगी हेमराज बिट के साथ तेज हरियाणा, इलाहाबाद।